क्रिसमस में वो आज रात को चर्च जाऊंगी दोस्तों के साथ, हर साल जाती हूँ। उसके बाद कल कुछ दोस्त खाना वाना बनाएंगे, बेकिंग करेंगे, तो वहाँ जाऊंगी और थोड़ी सी बेकिंग करूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और न्यू ईयर के लिए तो न्यू ईयर के दिन काम कर रहे हैं, जो वो सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे उन पे हम डांस करेंगे, और आई होप लोगों को पसंद आए। बेसिक कॉस्ट्यूम जैसे परफॉर्मेंस का होता है, ताकि डांस भी फ्रीली हो सके एंड एट द सेम टाइम वो स्टेज पे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और उनके कुछ गानों के सजेशंस थे, कुछ मैंने दिए, तो आई थिंक ओवरऑल मेडली है जैसा कि अक्सर परफॉर्मेंसेज में होता है, तो एंटरटेनिंग एक्ट है। जब न्यू ईयर की बात की जाए तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जहन में आते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है कि ये साल कितनी जल्दी गुजर गया। तो इस साल भी कुछ ऐसा लग रहा है, 2015 बस आया और गया ऐसा लग रहा है। और बस कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएंगे और देखेंगे कि उन पे अमल कर पाएँ। अच्छा दो 2016 में एक आई थिंक एक कोई बिल्कुल प्रॉपर कमर्शियल फिल्म करना चाहूँगी, कैबरे कर रही हूँ, उम्मीद करूँगी कि वो चल जाए बॉक्स ऑफिस पे। देखिए कैबरे कैबरे पे आधारित नहीं है, और जैसे प्रेस में आया था कि हेलन जी की ज़िंदगी पे आधारित है, वो भी सच नहीं है। एक लड़की की कहानी है जिस पे काफ़ी कुछ बीतती है, और फिर एक लव स्टोरी है उसकी और हीरो के बीच, तो वो कहानी है कैबरे की, और उसमें बैकड्रॉप और सब कुछ डांस और परफॉर्मेंस का ही है, उस तरह का है। एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल में जितना भी काम किया है वो 2016 में आ जाएगा बाहर, तो काफ़ी बिजी होने वाला है और काफ़ी हेक्टिक भी होने वाला है, और उम्मीद है कि सब इट वर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस। 2015 मेरे लिए बहुत अच्छा गया जैसा कि इन्होंने कहा अभी, अब 2016 आई होप 2015 से भी अच्छा जाए। बस यही कहना चाहूँगी कि 31 तारीख को ज़्यादा दारू ना पिए, बिकॉज़ उसका कोई सेंस नहीं है। आप पूरे साल दारू पी सकते हैं, उस दिन मत पीजिए, बिकॉज सब लोग पीते हैं और बहुत गंद मचाते हैं। तो और मतलब हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से तो बहुत सारे न्यू ईयर होते हैं, हर प्रांत का अलग न्यू ईयर होता है, तो और जो हिंदू लोग हैं उनका दिवाली के बाद हो जाता है, तो आप मतलब किसी और के न्यू ईयर पे दारू पी के रोड पे नाचेंगे तो अजीब लगेगा, क्योंकि कुछ हादसे हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं रहता है, पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है। आई थिंक सबका एक ही सेंटा है, वो भगवान जो है हमें अपनी किस्मत और मेहनत के हिसाब से कुछ ना कुछ देता रहता है, तो ऐसी कोई खास डिमांड नहीं है। अर्जिया दो लड़कियों की कहानी है, और जो मतलब दे ट्रैवल टुगेदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है और थोड़ी अलग है, अनोखी है। हमने फिल्म पहले बनाई थी, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी फिल्में आई, क्वीन या विच यू नो विच डिड वेल ऑल्सो एट द बॉक्स ऑफिस, पर आई थिंक कल्कि और मेरा कॉम्बिनेशन भी लोगों को एक्साइट करता है, तो उसके लिए काफ़ी आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। इस साल की जो परफॉर्मेंसेज होंगी उसके बेसिस पे मैं सोचूंगी कि अगले साल कुछ ऐसा नया अनोखा ट्राई करूँ। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कुछ अलग करने की। सरबजीत में भी मैं कुछ अलग कर रही हूँ, बहुत चैलेंजिंग है और बायोपिक भी है, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। I think I'm very happy to be here. I'm always happy to do any event with Filmfare and Jitesh. I think everything that they do has a lot of quality involved, and whether it's the Style Awards, whether it's the Film Awards.